हेलो वेलकम गोल्डन आई स्टूडियो। और ये माशाल्लाह सेट रेडी हो चुका है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा सेट रेडी हो चुका है कम्प्लीटली शूटिंग के लिए। तो आप सब लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बत से ये सेट रेडी हो चुका है शूटिंग के लिए। और कम से कम अभी 10 दिन और लगेंगे, 10 से 15 दिन इसको कम्प्लीट होने में स्टूडियो में। तो कैसा लग रहा है स्टूडियो में हमारा ये डिजाइन सेट का, आप लोग बताएं। और आपकी दुआ से बहुत बहुत अच्छे से हमने काम किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके बताएं कि हमारा सेट का डिजाइन कैसा लग रहा है। राहुल इनका पूरा सेट दिखाएगा धीरे धीरे से। हाँ कम्प्लीटली पूरा सेट दिखाओ और वापस आ जाओ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आके ये आर्च आ रही है इसके अंदर पूरा आ रहा है, तो ये आर्च में मैं खड़ा हूँ। ये 3D हमने डिजाइन बनाया है शूटिंग के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे अंदर, हमारे स्टूडियो में कितना काम हुआ है हम ये और आपको दिखाते हैं। तो चले आ जाएंगे अंदर। और आ जाओ जी मिस्टर राहुल, अभी हमने कुछ हटाया नहीं, यहाँ से कारपेंटर का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार आप देख लें पूरा, मेरे पीछे बन चुका है स्टूडियो, काफी हद तक हो गया है, बहुत सारी फिटिंग हो गई है। और कलर भी हो चुका है, नीचे बचा है फैब्रिक का। अभी इसमें जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं इसमें फैब्रिक लगेगा, रेड कलर हमने चूज किया है और ये सिल्वर कलर है और ऊपर गोल्डन कलर है। तो हमारा कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है हम लोग। और ये कम्प्लीटली हो चुका है, सारे सिंगरों के लिए इनवाइटेड है कि जो भी लोग अब सिंगिंग के लिए आना चाहते हैं और नया रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, नए सिंगर हैं तो मोस्ट वेलकम है। सब अपने अपने हिसाब के साथ आए और अपना अपना हिसाब बना कर आए स्टूडियो में हमारे। हम इसको न्यू ईयर पे इंशाल्लाह चालू कर देंगे। ये मोस्टली कम्प्लीटली हो चुका है, थोड़ा काम बाकी बचा है, अभी सीलिंग का काम बाकी रह गया है। तो जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने की कोशिश फ्राक में है, इसको ख़त्म करें। और सभी लोग हमारे स्टूडियो देख लें, अभी मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम हमारे सिंगरों को हमारे सब लोगों को लगे ना कि भाई महमूद भाई बोल रहे हैं कि स्टूडियो अभी काम चल रहा है, रेडी हो रहा है। जैसे जैसे काम हो रहा है, जितना जितना हो रहा है मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टूडियो में कैसा काम चल रहा है। और ये माशाल्लाह बहुत शाइनिंग से आ रहा है, लाइट प्रॉपर आ रही है इसके अंदर से। तो डिज़ाइन कैसा है हमारे स्टूडियो का पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है, तो आप लोग ये ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करा करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत समय पता कैसे चलेगा कि स्टूडियो का कलर करेक्शन क्या है हमारा और हमने कैसा बनाया है। नीचे हमने रखा है चेरी और ये सिल्वर है और ऊपर है टॉप पर गोल्ड। छत भी हमारी इसकी गोल्ड होगी, गोल्ड जाली लगी होगी इसमें भी। और सब जो हमारे राइटर हैं जनाब अमीन बादशाह जी वेट कर रहे हैं और हमारे आलम फिरोजाबादी हैं और फहीम शाद और खुर्शीद रसूलवी साहब और बहुत सारे राइटर हैं जिनके मैं नाम याद अभी नहीं आ रहे हैं। तो आप सब सिंगर और राइटर्स और हमारे सब चाहने वालों की दुआओं से और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टूडियो रेडी होने वाला जा रहा है, होने वाला है और जल्द से जल्द हम कोशिश करते हैं कि रेडी हो जाए। आप सब इसी तरीके से हमें दुआएं देते रहें और क्योंकि आपकी ब्लेसिंग सबकी, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो भी हमें सुनते हैं जहां पर भी जैसे भी सुनते हैं, उन सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों की वजह से आज ये स्टूडियो रेडी हो रहा है और आप इसी तरीके से हम पे मोहब्बत लुटाते रहें, प्यार करते रहें। आप हमारे वीडियोस को, हमारे सॉन्ग को सबको लाइक और कमेंट्स शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हम और अच्छे से अच्छा अपना म्यूज़िक कर सकें। और कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो जो कमी होती हैं वो भी हमें बताया करें कि भाई ये चीज़ रह गई, ये कंपोजिशन रह गई है, ये आप ऐसे गाएं, या म्यूज़िक में कई बार हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। हमारी पूरी टीम, हमारा जो स्टूडियो बना रहा है वो भी, जिन्होंने डिज़ाइन किया है वो भी,
और जो पेंटर हैं वो भी, और हम सब इसमें शामिल हैं। हम सब ने बहुत मेहनत की है तो कर रहे हैं, और तभी तमाम सिंगर, तमाम राइटर्स और हमारे कीबोर्ड जो करते हैं और हमारे दस मिस जो करते हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आप अच्छे से अच्छा लिखते रहें, और हमारे सिंगर अच्छे से अच्छा गाते रहें सब, और हम अच्छे से स्टूडियो को सजाते रहेंगे और अपना डायरेक्शन करते रहेंगे। और बस इसी के साथ आप हमें दुआएं देते रहें, और भाई दुआ देंगे तो हम और अच्छे से, हमें हिम्मत आएगी, हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि हौसला अफजाई करने से आदमी को ताकत मिलती है। आपकी मोहब्बत से हमें ताकत मिलती है। कई गाने फ्लॉप हो जाते हैं तो हमारा मनोबल, हमारा हौसला टूट जाता है। मेहनत बहुत करते हैं यार एक गाने के साथ, तो कई गाने नहीं चलते। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पसंद आता तो अगली बार अच्छा करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है। आज जुमे का दिन है, सबको जुमा बहुत मुबारक हो। मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में, अपने अपने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ज़रूर पढ़ा करें। और नमाज आदमी की दुआ और नमाज आदमी की जिंदगी बदल देती है। तो आप अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी जगह पर, जो जैसा काम करता है, जिस धर्म से भी रखता है भाई, आप उस धर्म के साथ फॉलो करें, और बुराई से बचे, अच्छाई की तरफ चले, हर बुराई का रास्ता छोड़ दें। कोरोना का फिर से बढ़ता चला जा रहा है, तो आप अपनों का और अपना बिल्कुल ख्याल रखें, सेफ रहें। मार्केट में जाएं या इधर कहीं पर भी जाएं तो आप मास्क जरूर पहन लें, ये मास्क पहनना बड़ी ज़रूरी है। आप अपना अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। आप सब अपनी और हमारे लिए और अपनों के लिए आप दुआ करते रहें, हम आप सबके लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे। तो आप और आप हमारे लिए करिए, हम आपके लिए दुआ करें। इसी के साथ ज़िंदगी गुजरती रहेगी, आपकी हमारी, तब के लिए आपको